इसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके पास दो प्लेट्स हैं जिसके ऊपर अनइक्वल चार्ज है, एक के ऊपर 500, एक के ऊपर 700, दोनों तरफ चार्ज्ड हैं, तो आपको ये बताना है कि जब ये प्लेट सामने सामने होंगी तो अंदर की तरफ क्या चार्ज होगा। तो शॉर्टकट क्या बताया था, मान लो इसके अंदर की तरफ x है तो यहाँ पर माइनस x होगा, अगर ये x है तो यहाँ पर क्या होगा, 500 माइनस x होगा, अगर ये माइनस x है तो यहाँ पर 700 प्लस x होगा, ताकि टोटल चार्ज रिमेन 700 और 500। फिर शॉर्टकट बताया था कि ये वाला चार्ज क्या रहता है, सेम, पीछे के चार्ज हमेशा सेम रहते हैं, याद रखना। तो आप इन्हें इक्वेट करके x निकाल लेना, x आ गया तो यहाँ और यहाँ पुट कर लेना, यहाँ पे चार्ज माइनस 100 है, यहाँ पर प्लस 100 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 700 माइनस 100 हो जाएगा, यहाँ पर 500 प्लस 100 600 हो जाएगा। इसके बेस पे ये क्वेश्चन निकालना, ट्राई करना x और माइनस x क्या आंसर आएगा, ये देखो। एक्स माइनस एक्स, हाँ तो ये एक्स है और ये माइनस एक्स, ऐसे करना पड़ेगा। नहीं कितना, 200, तो इसमें ये एक्स और माइनस एक्स, तो ये 800 माइनस एक्स, ये 400 प्लस एक्स, तो इसे कंबाइन करेंगे 800 माइनस एक्स, 400 प्लस एक्स, तो 2x इज इक्वल टू 400, x की वैल्यू 200, तो ये 200 है, ये माइनस 200 है। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक,